आप कैच न्यूज बनेगा आपकी आवाज पल पल के अपराधों से कराएंगे आपको रूबरू। नहीं होने देंगे किसी को भी अत्याचार। हम हैं आपके साथ और देखते रहिए फ्री। सब्सक्राइब करिए हमारे एसटी न्यूज चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिलती रहे हमारी ताजी खबरें। सेठ मिस्टर जयपुरिया स्कूल में जहां खेलों की बात करें तो आजकल के बच्चे स्मार्टफोन में गेम जो होता है उसमें काफी ज्यादा मशरूफ हैं, वही गेम खेलना पसंद करते हैं। लेकिन वहाँ के छात्रों ने आज एक और वहाँ के जो स्पोर्ट टीचर है उन्होंने एक अनोखा गेम निकाला जहाँ बच्चों ने पैराशूट के द्वारा उस खेल को खेला। तो देखिए यह अनोखा खेल किस तरह से छात्रों ने खेला और किस तरह से उस खेल क्या है इसके बारे में भी स्पोर्ट टीचर ने बताया, हमारे संवाददाता ने बात की और जाना कि किस तरह से जो समय नहीं दे पाते हैं आजकल बच्चे मोबाइल फोन में ज्यादा बिजी होते हैं, लेकिन वहीं सेठ जयपुरिया के बच्चे किस तरह से उस खेल को खेल रहे हैं और उससे कई चीजें सीख भी रहे हैं। स्क्रीन पे आप सामने देख रहे होंगे सेठ मिस्टर जयपुरिया स्कूल गोयल कैंपस में हम लोग राजधानी के फैजाबाद रोड पर आ चुके हैं और यहाँ पर जयपुरिया स्कूल में जिस प्रकार से आप यहाँ स्क्रीन पे आप देखेंगे एक गेम चल रहा है, एक अम्ब्रेला टाइप का कुछ है मुझे भी नहीं पता है, लेकिन ये कलर को एक पेरेंट्स पैराशूट को लेकर के एक कलर को सब लोग पकड़े हुए हैं, बच्चों संग अभिभावक भी हैं और यहाँ पर जैसे आप देख रहे होंगे पैराशूट काफ़ी बड़ा है और इस गेम का उद्देश्य क्या है आइए पूछते हैं सर से कि ये गेम क्यों कैसे खेला जाता है। ये पैराशूट गेम है और पैराशूट गेम जनरली शोल्डर्स पे फोकस करता है, शोल्डर एंड कोर का इन्वॉल्वमेंट है। जब मैं कोर की बात करता हूँ तो पेट हो गया, लोअर बैक हो गया, पूरी बैक हो गई और सामने वाला पोर्शन जो अपनी बॉडी पे है जो कि जिसको एब्डोमिनल्स कहते हैं हम लोग। तो सर क्या इसको पकड़ने से ही एक्सरसाइज? नहीं नहीं पकड़ने से नहीं, अभी ये लोग एक मूवमेंट करेंगे जो भी मैं इनको बताऊंगा, दे'ल डू सम मूवमेंट एंड आफ्टर दैट दे'ल एंजॉय आल्सो एंड दे'ल डेवलप सम यू नो स्ट्रेंथ इन देयर शोल्डर्स आल्सो। अभी देखते हैं आप लोग। तो सर ये देखिए यहां पे अभी गेम स्टार्ट होने जा रहा है, हम दिखाते हैं सब लोग स्टार्ट हो चुके हैं और किस प्रकार से पैराशूट का गेम आप देख रहे होंगे हमारी स्क्रीन पर और यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ इस पैराशूट में अंदर रखा भी हुआ है, हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, अंदर कुछ रखा हुआ है, बॉल्स हैं और कुछ कपड़े हैं, वीन बैग इसको कहते हैं, स्काफ है, बॉल है और इसको किसी भी प्रकार से आप पहली बार हंगामा टाइम्स पे इसे देख रहे हैं इस तरीके का गेम पैराशूट का। यहाँ पर कम से कम मेरे ख्याल से इस पैराशूट को 20 से 25 लोगों ने पकड़ा हुआ है और ज़्यादा से ज्यादा ऊपर फेंकने की बातें हो रही हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे सब लोग स्टार्ट हो चुके हैं और देखिए शुरू हो चुका है गेम और वो देख रहे हैं आप कि किस प्रकार से ये हो रहा है। अब कोच जो है वो किसी प्रकार का निर्देश दे रहे हैं, आप ये देखिए ऐसे गेम हो रहा है, ये पैराशूट है, एक साथ क्योंकि सब लोग नए हैं एक साथ नहीं वो कर पा रहे हैं, लेकिन किस प्रकार से वो देखिए और ये पैराशूट गेम है जो हम आपको हंगामा टाइम्स में दिखा रहे हैं और किस प्रकार से यहाँ पर गेम खेला जा रहा है और सभी लोग इसके अंदर शायद उनकी अच्छी खासी कसरत भी हो चुकी है जिससे कि और उसके अंदर सब ये देखिए सब पूरा गेम जो है वो पूरा गेम कंप्लीट हो चुका है क्योंकि अब पैराशूट में कुछ भी बचा नहीं है। हमने कोच से भी बात किया और अभिभावकों और जो बच्चे भी हैं छोटे छोटे कि यहाँ पर ये जो गेम खेल रहे हैं अभिभावकों से भी पूछते हैं कि ये गेम पहली बार उनको खेल के कैसा लगा। सर पहली बार आपने गेम खेला कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा तो आप देख रहे हैं अभिभावक भी कह रहे हैं कि अच्छा लगा है गेम खेलने में। हम थोड़ा इधर आ जाते हैं कुछ लोगों से और भी पूछेंगे। ये हम लोग सेठ मिस्टर जयपुरिया स्कूल में राजधानी के फैजाबाद रोड पर आए हुए थे और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कोच निर्देश दे रहे हैं इस अब दूसरा भी गेम जो है देखिए कैसे किस प्रकार से इस पैराशूट से ये देखिए देखिए पैराशूट आपको पैराशूट आता है दिस इज हाउ दे मेक फिर से पैराशूट उठा लीजिए आप लोग। थैंक यू। ओके शेक करिए पैराशूट बेटा बाहर आ जाओ। ओके शेक करिए पैराशूट इस बार ध्यान से सुनिएगा आप ऊपर उठाइए और दो स्टेप आगे बढ़िए आप लोग दो स्टेप आगे बढ़िए वापस आ जाइए वापस आइए
हम लोग का प्लान है, हम लोग मशरूम बनाने वाले, उस टाइम हम लोग होंगे और पैराशूट उसका जो ऊपर फ्लावर होता है वो होगा। तो जब मैं बात करता हूँ मूव इनसाइड, तो आपको चल के आगे जाना है, पैराशूट के अंदर नहीं, पैराशूट को ऊपर रख के आगे, ठीक है? चलिए शेक करिए, पैराशूट शेक करिए, आप चलिए आगे मूव करिए धीरे धीरे सब लोग। सो दिस इज और आगे और आगे और इतना आगे मूव कर रहे हैं कि जो बीच वाला पॉइंट है वो ऊपर होना चाहिए, ठीक है? ओके नहीं बन पाया, मैं आपको बता रहा हूँ, एक साथ सब लोग आगे जाएगा पैराशूट लेके, अपने आप पैराशूट ऊपर चला जाएगा। जब आप जो बीच का पॉइंट देख रहे हैं, ये पॉइंट जब सबसे ऊपर जाएगा तो कुछ अभिभावक हमारे साथ में आइए, पूछते हैं उनसे कि किस प्रकार से उनको ये पैराशूट गेम खेलने में लगा, बताइए। अच्छा लगा, काफी इंटरेस्टिंग है, पसीना आ गया, गर्मी हो रही है, पसीना आना, इसलिए पसीना आया, गेम का एनर्जी भी है, आप क्या कहेंगे? बचपन लौट आया आज, मजा आया थोड़ी देर के लिए। तो बेटा आपने भी किया पैराशूट गेम, खेला खेलते बहुत चाहिए बोलेंगे नहीं। तो सर क्या कहेंगे इस पैराशूट गेम के बारे में? बहुत अच्छा लगा, और ये अगर बच्चे करते हैं तो उसी तरह देख के कि हाँ आज लग रहा था कि बच्चों के साथ हम लोग भी बच्चे। तो पहले कभी खेला था कि फर्स्ट टाइम? नहीं फर्स्ट टाइम था। अनोखा गेम था ये। हाँ अच्छा लगा, अच्छा था। आपने खेला बेटा? यस सर। तो आप खेलते रहते हैं, आप तो स्कूल में हो कि फर्स्ट टाइम खेला है? सर फर्स्ट टाइम खेला। फर्स्ट टाइम आपने? सर फर्स्ट टाइम। बहुत बड़ी लीग होने वाली है, स्कूल कबड्डी लीग, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, वो भी उसको मीडिया वालों ने हायर किया हुआ है, और बच्चे यहाँ पे स्पोर्ट्स में काफी इंटरेस्टेड है, 90% बच्चे यहाँ गेम्स में और रनिंग वनिंग की, बच्चों का फिटनेस बहुत अच्छा है। अच्छा, जब से स्मार्टफोन आए हैं तब से ये सब गेम जो हैं गायब हो गए हैं, अब आदमी मोबाइल में ही लगा रहता है, तो क्या लगता है आपको कि बच्चे क्या इस गेम की ओर आकर्षित होते हैं कि नहीं? बच्चे इस गेम की ओर स्कूल टाइम तक तो आकर्षित होते हैं, लेकिन जब घर जाके वो फ़ोन पा जाते हैं तब नहीं होते, जब तक उनके हाथ में फ़ोन रहता है फिर वो भूल जाते हैं कि हम गेम भी खेलते हैं, लेकिन स्कूल में तो पूरे वो फॉर्म में रहते हैं कि गेम करना ही करना है, मैम गेम पीरियड है, मैम दिस इज गेम पीरियड, इट्स गेम पीरियड, कंटिन्यू वो लोग गेम्स के लिए रेडी रहते हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ बच्चे कौन सा गेम पसंद करते हैं जयपुरिया में? जयपुरिया में ज़्यादातर बच्चे कबड्डी पसंद करते हैं, कबड्डी का, कबड्डी में पिनाकल एक 25 जयपुरिया स्कूल में अंडर 14 की टीम हमारी फर्स्ट प्लेस पे थी, फर्स्ट प्लेस गर्ल्स बॉयज़ की थी और सेकंड गर्ल्स की थी, और अभी स्टार स्पोर्ट्स जब कबड्डी हुआ था उसमें भी सेमीफाइनल पहुंची थी, तो कबड्डी प्लेयर्स ज़्यादा है हमारे यहाँ, कबड्डी और रेसलर, ग्रैपलिंग, एथलेटिक्स, प्यार से बच्चे जो हैं इस चीज़ को गेम खेलने के लिए बता रहे हैं। और ये देखिए पैराशूट गेम है ये जो आप हंगामा टाइम्स पे देख रहे हैं, हम आपको दिखाते रहेंगे और भी अन्य चीज़ें, जिस प्रकार से राजधानी के स्कूलों में सड़कों पर कोई भी नई चीज़ हो रही होगी हंगामा टाइम्स आपको सबसे पहले दिखाएगा। कैमरामैन अरविंद के साथ मैं अमिताभ से इजाज़त चाहता हूँ, धन्यवाद। तो देखा आपने कि किस तरह से पैराशूट से वो गेम खेल रहे हैं, और शायद ये अनोखा गेम आपने पहली बार देखा, हमने तो पहली बार देखा है, लेकिन इस तरह का गेम बच्चे खेल रहे हैं और स्पोर्ट टीचर उन्हें खिला रहे हैं, वहीं अभिभावकों ने भी इसमें हिस्सा लिया और काफ़ी खुशी भी जाहिर की। तो ऐसे ही अनोखी खबरें देखने के लिए और अनोखी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये खेल आपको कहाँ तक पसंद आया।